साथ अंशिका पाठक, आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए। हम सबसे मिलते रहे, मैं यही आप सबके चरणों में प्रणाम करते रहे। आपने अलंकरण के लिए बुलाया, अलंकरण के लिए विनम्रता से जो माननीय माहेश्वरी जी ने कहा वो मैंने भी कहा है। मान के चले कि हम अलंकरण के लायक नहीं है, लेकिन आपने आने का मौका दिया, इसका आभार जरूर मानते हैं, आपका धन्यवाद अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब जब भी ऐसा मौका होगा आप हमको जरूर स्थान देंगे। मैं पुनः एक बार फिर आप सबका आभार मानता हूं, आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। जय श्री महाकाल, जय लक्ष्मी वेंकटेश, हरि हर। और अभी हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने अपने मन के उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए। हमारे ट्रस्ट के ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के द्वारा श्री रामानुज कोर्ट संचालित होता है। हमारे ट्रस्ट मूर्ति लक्ष्मी वेंकटेश के ट्रस्टी और हमारे उज्जैन के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आनंद बांगड़ जी यहाँ उपस्थित है, वो ट्रस्ट की ओर से दोनों हमारे अतिथिगणों का स्वागत करेंगे। ओम यो नित्यमच्युत पदां भजेत् परमां ब्रह्म हतस्ततराणि तृणायनेने अस्मद्गुरो भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता इव तयः तनया विभूते सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्व कुलाभिराम श्रीमत्तगन्धियुगलम् प्रणमामि मूर्ध्ना। और हमारे सम्माननीय न्यायाधिपति, उन्होंने आनंद जी के तो आनंद ले लिए, मुकुट जी से निवेदन है कि ट्रस्ट का ट्रस्टी होने के नाते और आपका हितैषी होने के नाते ये मर्यादा। और अब मैं श्रीमान गांधी स्वामी जी महाराज से। खंडवा के इंदिरा सागर बांध के 12 गेट 3 मीटर की ऊंचाई तक खोल दिए गए हैं। बांध से कुल 10,774 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया है। ओंकारेश्वर बांध के भी सभी 23 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। इस समय नर्मदा नदी खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे बह रही है और मोटक्का, खेड़ीघाट, महेश्वर, धामनौत, खलघाट सहित निचले क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम घाट पर तैनात है। नर्मदा नदी में स्नान पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है। अनूपपुर में अमरकंटक नर्मदा मंदिर मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। मंदिर के मुख्य मार्ग पर दुकानदारों ने अतिक्रमण किया था, जिसको लेकर अमरकंटक नगर परिषद ने कई बार दुकानदारों को नोटिस भी दिया। इसके बावजूद सड़क पर किया गया अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद कलेक्टर ने सड़क से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए और नगर परिषद की टीम ने दुकानों पर बुलडोजर चलाया। सीहोर में मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण